हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो आज हम घर पे थे, ऑफिस नहीं गए, तो सोचा कि टाटा सफारी के रिलेटेड कुछ वीडियो बना ली जाए। तो मैंने ये कार अराउंड 4500 किलोमीटर ड्राइव कर ली है और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो कमियाँ मुझे इस कार में लगी मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। लाइक करिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सबसे पहला पॉइंट इसका मुझे लगता है कि जो इसमें कमी है वो है कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी आउटडेटेड है। इस प्राइस पे जो बाकी एसयूवीज होती हैं उनका काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक्सयूवी 700 अगर आप लगा लो सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट पड़ जाता टॉप मॉडल, तो उसका काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। सेकेंड पॉइंट जो मुझे इसका लगता है कि कमी है इज़ दैट कि व्हेनेवर आई ड्राइव मेरी जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट नी है, क्योंकि ऑटोमेटिक वर्जन है इसका तो उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, बट रखना तो पड़ेगा ही आपको। तो जब आप रखते हो उसको कहीं तो वो ऐसे रहता है और वो इस पर कॉन्स्टेंटली टच करता है, विच इज़ क्वाइट इरिटेटिंग। और ये काफ़ी छोटे सफ़र के लिए सही रहता है, बट लंबे सफ़र में काफ़ी चीज़ चुभती है। तीसरी जो मुझे कमी लगी इसमें कि जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी लाइट कलर्ड है और काफ़ी ईजिली गंदा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ईजिली गंदा हो जाएगा ये अगर इस पर कोई भी हाथ पजेगा, चाहे वो साफ ही क्यों ना हो। तो उसी डर से मैंने अभी तक इसके कवर भी नहीं उतारे हैं। इसके कवर हमने वेंटिलेटेड सीट्स है, X+1 सीटर है, कैप्टन सीट्स हैं इसकी। तो हमने इसकी वेंटिलेटेड सीट्स के लिए अलग से कवर ऑर्डर करा हुआ है, बट क्योंकि वो बंदा बना नहीं रहा इसलिए हम तब तक इसको उतार भी नहीं रहे। वरना मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इसको एक मिनट में गंदा कर सकते हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ड्राई क्लीन वगैरह का, इसलिए अभी तक हमने कवर ही नहीं उतारे। इसके टावल रखे हुए हैं, टावल बिछा देते हैं इस पर। तो ये इसकी एक और कमी है कि इसका जो सीट्स और इंटीरियर है काफ़ी लाइट है, चाहे रॉयल लुक देता है बट फिर भी मेनटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको। फोर्थ कमी तो आप सबको पता ही है इसकी कि जो इसका बूट स्पेस है वो काफ़ी लिमिटेड है। अभी जैसे कैप्टन सीट्स है हमारी, और अगर 6 बंदे जा रहे हैं कार में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उनका बैग भी हो तो 6 नहीं जाएंगे, एक आधा कमी करना पड़ेगा उसमें से, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड बूट स्पेस है। ये देखो, एक या दो बैग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, वो भी छोटे छोटे, बड़े बैग तो वैसे नहीं रख सकते इसमें। एक और प्रॉब्लम जो है इसके साथ है कि इसको बूट स्पेस को जब आप डिक्की को ओपन करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है बच्चों को या विमेन को, क्योंकि काफ़ी भारी है और ऊपर करने में काफ़ी जान लगती है, एंड उसके बाद नीचे करने के लिए भी हाइट इसकी काफ़ी ऊपर हो जाती है, तो ये दिक्कत आ सकती है आपको, बंद ईजिली नहीं होता। एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे इस कार में ये है कि जब आप इसको चलाओगे तो क्योंकि ऑटोमेटिक है आपका लेफ्ट लेग फ्री रहेगा, तो आप अपना पैर यहाँ अगर रखोगे तो ज़्यादा देर नहीं रख पाओगे एक पोजीशन में, क्योंकि वो दुखेगा फ्री रखोगे तो। मुझे भी कभी कभी अपना पैर ऐसे टेढ़ा रखना पड़ता है, कभी उस साइड रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है ये चीज़ बहुत बीच में आती है अगर इसको प्रॉपरली रखना या फिर वो चीज़। और नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस कार का लगता है, जो इसकी सिक्योरिटी रीज़न में काफ़ी दिक्कत दे सकता है, कि जो इसके पिलर्स हैं चाहे वो कार को स्ट्रेंथ देते हैं बट आपको ब्लाइंड व्यू क्रिएट करते हैं वो, जिससे कि जो छोटी हाइट के लोग होते हैं फॉर एग्जांपल 5'8" से कम, उनको काफ़ी दिक्कत आ सकती है विजिबिलिटी में, साइड से देखने में कि कोई चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो वो एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। ये थी कुछ दिक्कतें जो मुझे इस कार से हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो इनको फेसलिफ्ट पे काम करनी चाहिए। और बाकी ये है कि आप एवरेज देख सकते हैं कार की, 272 किलोमीटर चलाई थी मैंने हाईवे, कम सिटी और थोड़ी रफ रोड भी थी, बट फिर भी एवरेज 18.6 की दे रही है, विच इज़ गुड इनफ और एक्सीलेंट है किसी भी एसयूवी के लिए। ऊपर से आप जहाज़ चला रहे हो तो सेफ्टी तो है ही है। बाकी इनका स्क्रीन लैग करती है तो इनको वो काम भी करना चाहिए काफ़ी, अगर मैं कोशिश करूँ ना कभी कभी तो इनकी स्क्रीन काफ़ी लैग करती है। इसका एक और जो कमी मुझे लगी वो है कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो काफ़ी वीक हैं। काफ़ी यूज़र्स मैंने देखे हैं जो इसको चेंज करवा लेते हैं टाइम के साथ, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट रहती है उनको कि रात में दिखता नहीं है, काफ़ी वीक है, चाहे आज के सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है बट फिर भी दिखना तो चाहिए सामने का कुछ। मुझे भी एक दो बार ऐसी दिक्कत आई है पहाड़ी एरिया पे, बट मैं सोचा नहीं अभी चेंज करवाने का, क्योंकि ओरिजिनल है कंपनी की तरफ से फिटेड, तो इनकेस अगर फ्यूचर कहीं दिक्कत आई तो चेंज करवा लेंगे।
बट अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है चेंज करवाने का उन्हें। सो गाइज, ये थी कुछ कमियां जो मुझे इस कार में लगी। उम्मीद करूंगा कि अगर आप कोई SUV बाय करने के लिए देख रहे हैं तो उसमें ही आपको हेल्प करेंगी। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिएगा वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर आप कोई चीज़ टेस्ट करवाना चाहते हैं मुझसे टाटा सफारी की तो मुझे बताइएगा, या अगर कोई चीज़ इम्प्रूव करवाना चाहेंगे कि कुछ कमी पेशी हो रही है हमसे तो वो भी बताइएगा, कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।